नौशहर अक्सर स्वच्छता मॉडल के लिए सुर्खियों में रहता है। इसी कड़ी में शहर ने एक बार फिर इतिहास रचा है। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बना है जहां नाला स्थल पर पहली बार क्रिकेट मुकाबला खेला गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुए इस मैच में जनता ने भी भागीदारी दर्ज करवाई। स्वच्छता सर्वेक्षण के नजदीक आते ही निगम पूरी ताकत से शहर को संवारने के लिए जुट गया है। स्वच्छता का पंच लगाने के लिए इंदौर के अधिकारी और नेताओं ने क्रिकेट की पिच पर खूब चौके और छक्के लगाए। दरअसल शहर के नदी नालों में गिरने वाले सीवरेज व गंदे पानी को रोकने के लिए आउटफॉल टैपिंग का कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में स्थित नालों में आउटफॉल टैपिंग होने से गंदा पानी आना बंद हो गया था और नाले सूख गए थे। लेकिन निगम की पहल के बाद जोन 18 के अंतर्गत आने वाले कैलाश चौधरी पार्क कॉलोनी स्थित नाला शहर का पहला नाला बन गया, जो आउटफॉल टैपिंग के परिणाम स्वरूप सूखे नाले में तब्दील हुआ और उसी नाले में नाला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां मैदान पर कलेक्टर मनीष सिंह व आईजी हरि नारायण चारी मिश्र की टीम, सांसद शंकर लालवानी और विधायक महेंद्र हाडिया की टीम से भिड़ी। मैच में नेताओं और अधिकारियों ने खूब चौके छक्के लगाए। यही नहीं, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल व पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने भी अपना हाथ जमाया। मैच में कलेक्टर मनीष सिंह ने विधायक महेंद्र हाडिया को बोल्ड किया। रोमांचक मैच होता हुआ, बोले बोल्ड बोल्ड बोल्ड, यहां पर बोल्ड हो चुके हैं विधायक मोदी जी। मैच के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहर की नदियों और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए इंदौर नगर निगम के इस मॉडल को काफी सराहनीय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।